हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई जिसके अंदर हम करेंगे सर्विस मार्केटिंग यूनिट थर्ड। ये है इसका लास्ट टॉपिक्स है ये जो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपकी जो ये थर्ड यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके पहले का टॉपिक था हमारा बैंकिंग मार्केटिंग सर्विसेज, कौन कौन सी मार्केटिंग सर्विसेज हैं। अब जो इंश्योरेंस मार्केटिंग सर्विसेज हैं वो हम पढ़ेंगे। मार्केटिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर, मार्केटिंग इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या होती है, मार्केटिंग इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या होती है कि जो इनका मोटो होता है कि कस्टमर्स आपके यहाँ आके इंश्योरेंस करवाएं, और इनका मोटिव होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करें। द इंश्योरेंस मार्केटिंग फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल मिक्स फॉर ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस सो दैट द इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर इन राइट प्रिस्क्रिप्टिव। मतलब कि इनका एक सारी इन्फॉर्मेशन जो इनको चाहिए होती है वो आइडियल वे के अंदर ये प्रोवाइड करवाएं, जितनी भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। अब मार्केटिंग मिक्स ऑफ इंश्योरेंस, मार्केटिंग मिक्स क्या होते हैं इंश्योरेंस के, सबसे पहले इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब प्रोडक्ट इज बोथ व्हाट इज अ सेलर हैज़ टू सेल एंड व्हाट अ बायर हैज़ टू बाय दैट इंटरप्राइजेस दैट हैज़ समथिंग टू सेल टेंजिबल गुड्स और नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट। जो बायर क्या बाय कर रहा है और सेलर क्या बाय करना सेलर क्या सेल कर रहा है और बायर क्या बाय कर रहा है, वो सब चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड होगी। जो प्रोडक्ट होता है वो टेंजिबल गुड होता है और एक सिंगल, नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट, बहुत से प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद प्रमोशन मिक्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स द प्रमोशन मिक्स ऑक्यूपाइज ए सिग्निफिकेंट प्लेस। जो प्रमोशन मिक्स होती है वो एक सिग्निफिकेंट प्लेस देखती है। अब आप इंश्योरेंस, अगर आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो आप ये ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि आप किस से आप अपने इंश्योरेंस करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, किससे आप अपना प्रमोशन करवा रहे हो। उसके बाद पब्लिसिटी मिक्स, इन द एडिशनल टू एडवर्टाइजमेंट टू द इंश्योरेंस ऑल्सो नीड टू द थिंक ऑफ द फेवर ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिक आपकी फेवर के अंदर हो, आप जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहे हो उसके अंदर आपकी पब्लिक फेवर के अंदर हो। अगर आपकी पब्लिसिटी होगी, अगर आपकी गुडविल अच्छी होगी तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर वो अच्छा चलेगा मार्केट के अंदर। इसके बाद सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन अ टेम्परेरी डिवाइस विच इज़ अडोप्टेड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। सेल्स प्रमोशन जो होता है वो एक टेम्परेरी डिवाइस होता है जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया जाता है, टेम्परेरी डिवाइस होता है। इसके बाद पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंश्योरेंस बिजनेस सस्टेनेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्टॉलिंग ऑफ एजेंट्स ऑफ द रूरल एरियाज एजेंसी। जो पर्सनली रूरल एरिया के अंदर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, उनको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। इसके अंदर प्राइस मिक्स भी इंक्लूड हो सकता है। प्राइस मिक्स मतलब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आप इनको कितना रिटर्न बैक दोगे। जब आजकल तो हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, फर्नीचर का भी, एसेट्स का भी इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस होता है। अब जो कार वगैरह लेते हैं आपके एसेट्स होते हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है। तो उसके बाद है सेकंड सेक्टर मार्केटिंग इन एजुकेशनल सेक्टर। मार्केटिंग एजुकेशनल सेक्टर के अंदर कैसे होती है, अ डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग दैट एंटेल द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल रिसोर्स फॉर द बायर्स। वाई यूज एजुकेशनल मार्केटिंग, हम एजुकेशनल मार्केटिंग क्यों यूज करते हैं। कंज्यूमर नो लॉन्गर रिले ऑन एडवर्टाइजिंग मैसेज मेक्स बाइंग डिसीजन। एजुकेशनल मार्केटिंग ऑलवेज गिव्स यू अ सेल्स मार्केटिंग टीम्स दैट द ओनली अपॉर्चुनिटी टू डेवलप डीपर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स मार्केटिंग फैसिलिटी। आप जब एजुकेशनल मार्केटिंग करते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, जैसे कि अब मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, अब आप इस चीज़ से एजुकेशनल मार्केटिंग ज़रूरी होती है। अब एजुकेशनल मार्केटिंग अगर आप करेंगे, जैसे कि अब मैं मेरे जो चैनल है उसकी मार्केटिंग करवाऊँ, उसका प्रमोशन करवाऊँ, तो वो ज़रूरी है एजुकेशनल सेक्टर कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर उनका बेनिफिट लेते हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर लेते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है, वो आप घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। अपने जो लेक्चर्स आपको नहीं समझ में आते उनको दोबारा रिवाइज कर सकते हो, दोबारा वीडियोस को पॉज करके जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको दोबारा सुन के आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। इसके बाद टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मार्केटिंग, एजुकेशनल मार्केटिंग के क्या टाइप होंगे, ब्लॉग, ई बुक्स, वेटर, वाइट पेपर, सोशल नेटवर्किंग टूल्स,
प्रेस रिलीज, इंटरव्यूज, वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो किसी को, जैसे प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके थ्रू आप एजुकेशनल मार्केटिंग कर रहे हो, ब्लॉग्स के थ्रू आप वीडियोस, फोटोज पोस्ट करके, सोशल मीडिया नेटवर्क टूल्स हैं, वाइट पेपर्स के थ्रू, ई बुक्स के थ्रू आप अपनी जो भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। अब मान लीजिए मैं कहीं भी टीचिंग करूं तो मैं सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ा पाऊंगी या लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही अपनी एजुकेशन दे पाऊंगी। लेकिन अगर अब मैं सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड करती हूं तो वो चीज़ें लिमिटेड नहीं होंगी, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहेंगे वो सब स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। और इसकी कोई फीस भी नहीं लगती है, यूट्यूब कोई भी चार्ज नहीं लेती है, ना तो यूट्यूब कोई चार्ज लेती है और ना मैं कोई चार्ज लेती हूँ। तो इसके बाद है मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म एंड एयरलाइंस। टूरिज्म मार्केटिंग रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द नेशनल टूरिस्ट बॉडीज और एंड और द बिजनेस इन द टूरिज्म सेक्टर ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रोथ इन द टूरिज्म बाय मार्केटिज्म द सेटिस्फेक्शन ऑफ टूरिस्ट। मतलब सेटिस्फाई करना टूरिस्ट को। और टूरिज्म एयरलाइन के अंदर क्या होगा कि जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी टूरिज्म है, जो इंटरनेशनल आपके सेक्टर के अंदर आते हैं या लोकल टूरिज्म है, जो आपको आपके टूरिस्ट आ रहे हैं आपके यहाँ घूमने फिरने आ रहे हैं, तो उनको सेटिस्फाई करना, उनको हर एक चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा, जो वो चीज़ एक्सपेक्ट करके आते हैं कि हमें वहाँ ऐसा मिलेगा, हमें वहाँ ऐसा मिलेगा, तो वो सब चीज़ें उनको मिलना, वो सब वो सेटिस्फाई होके जाएँ आप लोगों से। उसके बाद सोशल एरिया, सोशल सर्विसेज बाय एनजीओज। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, जो बिना जो जिनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज आर एज दे आर कॉल्ड इन द कॉमन पार्लेंस आर ऑर्गेनाइज विच आर इन्वॉल्व इन द केयरिंग आउट अ वाइड रेंज एंड of activities of the benefits of understandable people of the society at large। मतलब जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंटल जो भी हैं, जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, जो बेनिफिट अपना नहीं देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सम जो इसने बेसिक बेस्ट एनजीओज दे रखे हैं वो है चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड को राइट दिया गया है कि वो हम चाइल्ड लेबर नहीं करवानी चाहिए, हमें पॉवर्टी, सोशल इंजेक्ट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन एम्पावरमेंट, एनिमल्स राइट, एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स, डिजीज कंट्रोल एंड अदर्स। मतलब हेल्थ और न्यूट्रिएंट्स को एनिमल्स को नहीं किल करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं करवानी चाहिए, चाइल्ड्स के राइट्स जो होते हैं, वुमेन्स के जो राइट्स दिए गए हैं कि वुमेन सब इक्वल है, वन पर्सन वन कंपनी वन पर्सन और वन लाइफ वन पीपल वन राइट, उनका वन राइट होता है, वन पर्सन वन राइट। उसके बाद है मार्केटिंग ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज की जो मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ द प्रैक्टिसेस ऑफ लिवरेज वेब यूज चैनल टू द स्प्रेड ऑफ अ मैसेज अबाउट अ कंपनी, ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू इट्स पोटेंशियल कंज्यूमर्स। दिस द मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग इंक्लूड्स ईमेल, सोशल मीडिया डिस्प्लेज, एडवर्टाइजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल अवार्ड्स एंड मोर। ऑनलाइन सर्विसेज मार्केटिंग ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज हम कैसे करते हैं, वो हम कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप के थ्रू भी हम जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनको बढ़ा सकते हैं, तो इनके थ्रू हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसने दे रखा है सर्च इंजन्स। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, गूगल, आस्क, याहू, बीन, इनके थ्रू हम अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट टॉपिक इस यूनिट का और आज की वीडियो का, मार्केटिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज ब्रांड्स टूवर्ड्स द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग ओवर द पास्ट 5 years वी हैव विद एज्ड फ्रॉम द रेपुटेशन एंड विजुअल सोर्सेज डिसलाइन थ्रू द इंडस्ट्री। हाउ कैन प्रोफेशनल सर्विसेज फेम ओवर टाइम द चैलेंजेस एंड इम्प्रूव देयर ब्रांड्स इन द मार्केटिंग प्लेस। द आंसर इसने पूछा है कि हाउ आप मतलब कैसे प्रोफेशनल सर्विसेज ओवर टाइम कर सकती हैं और चैलेंजेस
को देखती है एंड इम्प्रूव करती है अपने ब्रांड्स को ओवर टाइम करके या चैलेंजेस को फेस करके कैसे वो अपने ब्रांड को इम्प्रूव करती हैं। इसके अंदर आंसर दे रखा है, द आंसर आर नॉट द सेम एज दे यूज टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स आर गिवन वे इन द स्ट्रेटेजी दैट डिजाइंड विद द मॉडर्न क्लाइंट्स इन द माइंड एंड द ओल्ड वे ऑफ अ लॉन्गर एंड। इसके अंदर दिया गया है कि पहले जैसे ट्रेडिशनल वे किया गया था मार्केटिंग का, जैसे आप शॉप पे जाते थे और आप अपने सामान ले लेते थे, या कोई भी ट्रेडिशनल वे होता था पोस्टर्स वगैरह के थ्रू जो आप जैसे गलियों वगैरह के अंदर लगाते हैं, बट उसकी बजाय जो आज की जो मॉडर्न मार्केटिंग है, मॉडर्न टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं वो हो गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, तो जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं वो उसके अंदर ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ की जाती है, ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है। जैसे प्रोफेशनली आप अगर आप किसी को जैसे कोई प्रोफेशन से डॉक्टर है तो वो ट्रेडिशनल मतलब वो उसको पोस्टर छपवाने की जरूरत नहीं है, वो हॉस्पिटल में अपने आप अगर उसकी गुडविल अच्छी है, लोग अच्छे से उसके रिकवर हो रहे हैं पेशेंट्स उसके, तो वो लोग अपने आप उनके हॉस्पिटल में आएंगे। तो आज की वीडियो में हमने की मार्केटिंग इन इंश्योरेंस सेक्टर मार्केटिंग की है हमने, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, एजुकेशनल सेक्टर के अंदर, ऑनलाइन सेक्टर्स के अंदर, प्रोफेशनल सेक्टर के अंदर मार्केटिंग की है मैंने हमने। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर न्यू अपडेट्स। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।